तीनों नंबर आपके पास डिफरेंट आएंगे बिकॉज तीनों आप वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट उठा रहे हैं, तो आप लोग देखें द प्रोबेबिलिटी दैट देयर मिनिमम इज थ्री। गिवन दैट आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उनका मिनिमम है, देयर मिनिमम इज थ्री। दस मिनट से ज्यादा मैंने कहा था वेट नहीं करेंगे, बस 2 मिनट और है, कोई आएगा तो मैं अलाउ कर दूंगा, उसके बाद नहीं कर पाऊंगा और थोड़ा टाइम जाता है इसमें। चलो देखें आपको फाइंड आउट करना है, आगे बढ़ते हैं इसमें स्क्रीन शेयरिंग करके। देखेंगे थ्री नंबर्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट 1, 2, 3 से लेकर के 8। द probability that their minimum is 3, उनका minimum 3 है, इसकी probability चाहिए। given that क्या है, their maximum is 6। क्या मैं इसको e मान लूं event को और इसको f मान लूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं probability e intersection f divided by probability of f। conditional probability में क्या होता है, जो given that condition होती है वो actually हो चुकी है ये मान के चल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो सैंपल स्पेस है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो आपके पास एनी इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ भी ले सकते हैं अगर आपके पास इक्वली राइटली आउटकम होता है, या फिर ये वाला जो मैंने लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ई ऑब्लिक एफ बनेगा, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये तो हमेशा यूज कर सकते हैं आप लोग, इससे हमें यूज करना है। तो आप लोग देख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ, जो तीन नंबर आप चूज करेंगे वो तीन नंबर चूज करने के टोटल तरीके कितने हैं, वैसे 8c3 राइट, और ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब मिनिमम तीन रहे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिनिमम तो तीन रखना है और उनका मैक्सिमम 6 रखना है, तो यानी कि 3 और 6 तो लेंगे ही लेंगे हम, क्योंकि आप चाहते हैं कि मिनिमम 3 रहे तो 3 होना चाहिए वहां पे, और 6 मैक्सिमम रहे तो इसका मतलब 6 को भी वहां पे होना चाहिए, और अब जो तीसरा बचा हुआ नंबर होगा वो 4 और 5 में से एक होना चाहिए, तभी हो पाएगा कि मिनिमम 3 हो जाए और मैक्सिमम 6 हो जाए। मतलब दूसरा नंबर, पहला नंबर 3 ले लिया फिर 6 ले लिया, 3 और 6 को फिक्स करने के बाद 4, 5 में से यानी कि दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास ये तरीके हो जाएंगे। क्योंकि हमें 3 और 6 लेकर के, 3 और 6 लेते हुए 4 और 5 में से कोई एक और नंबर लेना है, तो इससे क्या होगा मिनिमम 3 भी आएगा और मैक्सिमम 6 भी आ जाएगा। और नीचे पीएफ क्या है, पीएफ का मतलब हो गया उनका मैक्सिमम 6 हो जाए, मैक्सिमम 6 लाने का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैक्सिमम 6 कब आएगा, जब 6 को तो हम ले ही और बाकी 2 इनमें से ले लें, 5 में से 2 ले लें और टोटल 8c3 आपके पास ही कट जाएगा, 2c12 होता है और 5c210 होता है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर जो आएगा वो 1.5 के बराबर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर है, बताएं स्टूडेंट्स। यस यस ओके, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो JEE 98 का है। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, और इससे हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि 7 व्हाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 7 तो व्हाइट है और 3 आपके पास ब्लैक बॉल्स है। रेंडमली आपने क्या किया, एक रो में रख दिया। The probability that no two black balls are placed adjacently, यानी कि आपको 7 और 3 10 balls को जमाना है randomly, और इसको जमाने के तरीके आपके पास ही हो जाएंगे। Probability of event निकालना, तो sample space नीचे आ गया। और favorable तरीके,
फेवरेबल किसके फेवर में, नो टू ब्लैक बॉल्स आर प्लेस्ड साइमल्टेनियसली, यानी कि जो सारी व्हाइट बॉल्स हैं पहले उनको रखेंगे, आपके पास टोटल 7 व्हाइट बॉल्स है, तो इन 7 व्हाइट बॉल को जमाने का एक ही तरीका आपके पास है, फिर इसके बाद इन बिटवीन जो गैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ में से कोई 3 गैप का सिलेक्शन करेंगे, वहां पे ब्लैक को जमाने का एक ही तरीका है क्योंकि सारी एक जैसी है, तो आपके पास तरीके या प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो सीधा आपका क्वेश्चन हो गया, तो ये 8c3 तो होता है 8, 7, 6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टर 6, और 10c3 था ये नीचे, और 10 फैक्टर अपॉन 7 फैक्टर हो जाएगा 10, 9, 8 अपॉन 7 फैक्टर कट जाएगा 7 फैक्टर, और 3 फैक्टर नीचे था उसको ऊपर ले जाके 6 लिखेंगे, आगे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं इतना ही छोड़ूंगा इस पर, आप ये वाला ही देखो क्योंकि पूरी कैलकुलेशन में हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे, ये आपका आंसर आ चुका है, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। बताए कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, क्लियर है सबको? ओके, कुछ हो तो आप हैंड रेज कर देना, मैं उसके बाद आप पूछ लेना, ठीक है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जेई आईआईटी जेई 2007 का क्वेश्चन है, वन इंडियन फॉर अमेरिकन मैन एंड देयर वाइव्स आर टू बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल। एक तो इंडियन मैन है, इंडियन कपल है, एक इंडियन कपल है और 4 अमेरिकन कपल्स है, राइट, और उन्हें एक राउंड टेबल के चारों तरफ बिठाना है। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंटली टू हिज वाइफ गिवन दैट, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इंडियन मैन इज विद हिज वाइफ, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। गिवन दैट क्या है, गिवन दैट ईच अमेरिकन मैन सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, Each American is with his wife, right? ये दिया है। Probability of E oblique F आपको चाहिए, तो इसका probability हो जाएगा any intersection F divided by NF, ऐसे भी जा सकते हैं अपन। आपको पता है कि एक तो American couple है, right? American, एक तो Indian couple है, sorry, Indian मैन और इंडियन वाइफ, ऐसे करके ऐसे करता हूं मैं, I1 I2 हो गया इंडियन कपल, राइट, और उसके बाद अमेरिकन कपल है, I1 I2 ले लूं यहाँ फिर, ठीक है, और अमेरिकन कपल्स हो गए A1 A2 A3 A4 A4 A5 और A5 A6 A7, ऐसे करके। ये मैंने किस, कौन सा मैन है कौन सी वुमन है वो नहीं लिखा है ऐसे ही, आप तो ऐसे समझो कि इंडियन कपल्स क्या अमेरिकन कपल्स, 5 A4 दो बार हो गया, A3 A4 A5 A6 A7 A8, अब सही है। तो ये आपके पास एक तो अमेरिकन इंडियन कपल है और 4 अमेरिकन कपल है, अब आपको ऊपर तो चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ। ई क्या है, इंडियन वाइफ इंडियन मैन साथ बैठे, और एफ क्या है, अमेरिकन कपल जो 4 है वो चारों अपने वाइफ के साथ ही बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इन 5 यूनिट को एक सर्कल के चारों तरफ बिठाना, 5 यूनिट को सर्कल के चारों तरफ बिठाने के तरीके होते हैं 5-1 फैक्टर। आप देख सकते हैं ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 कपल्स हो गए, 5 कपल्स को सर्कल के चारों तरफ बिठाने के तरीके होंगे 5-1 का फैक्टोरियल। फिर इसके बाद हर एक कपल आपस में इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल के पास 5 आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या है, नीचे NF है, NF मतलब अमेरिकन कपल साथ बैठे, बाकी इंडियन कपल्स में इंडियन जो हस्बैंड वाइफ है उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है, तो आप इनको 2 मान लो, इंडियन को 2 माने क्योंकि आपको इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर अमेरिकन को एक साथ रखना है, तो आपको यहाँ पे एक तो ये हो गया, एक
और दो और ये तीन और ये चार कॉपल हो गए, चार यूनिट मान लो इसे, और इसे दो मानना, फिर आप इस वाले को दो ही यूनिट मानना पड़ेगा अमेरिकन इंडियंस को। तो आपके पास कितनी यूनिट्स हो गई आप लोग काउंट कर सकते हैं, आप लोग देख लें कितनी यूनिट्स आपके पास दिखाई दे रही है। तो चारों इंडिया अमेरिकन कपल्स को चार यूनिट मान लें, इंडियंस को दो मान लें, तो छह हो गए। और छह को बिठाने के तरीके होते हैं 6-1 का फैक्टोरियल, और जो अमेरिकन कपल्स है आपस में म्यूचुअली इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल की पावर 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर इस तरह से आ रहा है 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 4, और ये हो गया आपका 1/5 × 2/1, तो 2/5 आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। क्या ये समझ में आया आपको, बताओ? यस सर, आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी तो इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 5/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 3/4। एक चीज मुझे आप बताएं कि जब आपके पास दो इवेंट है ए और बी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है? बड़ी इवेंट कौन सी है इसमें? 5/8 होता है करीब 0.6 के अराउंड, 3/4 होता है 0.75 के अराउंड, यानी कि बड़ी इवेंट बी है। तो आपके पास ए और बी का इंटरसेक्शन सबसे बड़ा इस सिचुएशन में रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगर आपको रेंज करना है कि वो कहां से कहां तक हो सकती है, तो मैं आपको बताऊं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम 0 हो सकती है। कब? जब ए और बी सेट ऐसे हो जाए, और मैक्सिमम इस सिचुएशन में आ सकती है, मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन सबसे बड़ा छोटे सेट के बराबर हो सकता है ना, राइट? छोटा सेट आपका ए है। समझ में आई क्या बात आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम पीए तक जा सकता है। तो यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 0 से लेकर के कहां तक जाएगा? 5/8 तक जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना चाह रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की रेंज क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी होता है, आपको पता ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। तो पी आपके पास है 5/8 और पी बी आपके पास है 3/4 और ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज लिख देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं 5/8 और 3/4, 3/4 हो गया 6/8, 11/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम क्लेम करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कहां से कहां तक जा रहा है, राइट? तो इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा? जब ये मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि कितना? 5/8, ये 3/8 हो गए। और ये मैक्सिमम कब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? जब ये मिनिमम हो जाएगा, यानी कि 0। तो 0 करते 11/8, 11/8 तक तो जा ही नहीं सकता ना, तो कहां तक जाएगा? दो सेट का यूनियन कहां तक जा सकता है? दोनों के सम के बराबर तक जा सकता है। तो आपको दोनों का यूनियन 1 तक ही जा पाएगा, 11/8 तो जाएगा ही, राइट? चलो, ये तो मैंने क्या डिस्कस किया कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक जा सकती है, ठीक है? अब अपन देख लेते हैं, आपके पास ए डैश यूनियन बी चाहिए, ए डैश यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होगी वो हमें चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ए डैश यूनियन बी क्या आएगा वो देखें, ए और ये बी सेट है आपके पास, ए डैश यूनियन बी क्या होगा? ए डैश यूनियन बी होता है, नहीं यूनियन होता है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। सर एक बार ए यूनियन बी की फिर से समझा दो। हाँ एक मिनट, देखो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी होती है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब इस पे हमने पी ए पी बी प्लेस कर दिया और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आपको पी ए यूनियन बी मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम पुट कर दो। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? इसका मिनिमम वैल्यू आपके पास है 0, तो 0 प्लेस कर दें तो 11/8 तक चल जाएगी। लेकिन आपको पता है कोई प्रोबेबिलिटी 11/8 तक तो जा नहीं सकती, राइट? तो आपके पास ये 11/8 तक नहीं जा सकती है, तो 1 तक ही जाएगी।
वन तक चले जाते हैं, इसको ले लेते हैं वन तक। और मिनिमम कब होगा ये, जब पी एंड इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम हो जाए, और पी इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू 5/8 है, तो 5/8 पुट कर देते हैं। जैसे 5/8 पुट करेंगे तो ये 3/8 आ जाएगा, आपको ये मिल गया। तो इसका जो आंसर है, ये वाले का आंसर, ये सही है क्या? सी ऑप्शन, इससे सी सही है क्या मुझे बताओ? नहीं, yes, actually, यहां से तो पता लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 से 5/8 आएगा, लेकिन यहां से पता लग रहा है कि जब मैं इसको 5/8 पुट कर देता हूं ना, 0 पुट कर देता हूं इसको, तो ये क्या बन जाएगा? इसको 0 पुट करते ही 11/8 बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसको 3/8 से कम नहीं होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी को। ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम 3/8 होगा, उससे कम नहीं होगा, क्योंकि जब ये 3/8 बनेगा तभी 1 हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है अल्टीमेटली 3/8 से लेकर के कहां तक जाएगी, 5/8 तक जाएगी। सही क्या मुझे बता दो जल्दी से? सही है सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ए डैश बी चाहिए, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि बनेगा प्रोबेबिलिटी ए डैश यूनियन बी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी बी डैश लिख दो, प्रोबेबिलिटी बी सॉरी, और माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब ए और ये बी मान लेते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ये वाला रीजन होता है। और अगर पी बी में से इसको माइनस करूंगा तो ये क्या है? ये पी इंटरसेक्शन बी हो गया ना। तो आप लिख सकते हैं कि बना पी ए डैश प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए डैश तो आपके पास कितना है? पी ए डैश है ये रहा 3/8, और आप पी ए इंटरसेक्शन बी तो आपका 3/8 से 1 तक जा रहा है। तो मैं अगर इसमें 3/8 पुट कर दूं मिनिमम वैल्यू, तो उससे तो बड़ा ही आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन ये आ जाएगा 3/8 कितना हो गया 6/8 3/4 से बड़ा है। समझ में आ रही क्या आपको? कुछ दिक्कत है लगता है, तो मैं इसको वापस से समझा देता हूँ। तो आप लोग जरा देखना कि आपके पास ये आया पी ए डैश, तो मैं लिख देता हूँ कितना पी ए डैश कितना है भाई, मुझे गलती कर दी क्या मैंने, 3/8 ही तो है, सही लिख रहा हूँ मैं, 3/8 है। और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ग्रेटर देन पी ए इंटरसेक्शन बी, आप लोग देख सकते हैं ग्रेटर देन 3/8 है। तो मैं इसको लिख देता हूँ ग्रेटर देन 3/8 है नहीं, तो ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूँ यहाँ पे 3/8 लिख देता हूँ। 6/8 आ गया यानी कि 3/4, तो ये प्रोबेबिलिटी 3/4 से बड़ी है। पर क्या ये कंपलसरी है कि वो हाफ से बड़ी? जो 3/4 से बड़ी वो तो पक्का हाफ से बड़ी हो ही जाएगी ना, बताओ? यस सर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका सही निकल गया। अब इसके बाद अगले ऑप्शन पे आते हैं, ए डैश यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें। ए डैश यूनियन बी की तो निकाली हमने, किसकी निकाली? इसी की तो निकाली। तुम देखना कि आपके पास ए डैश यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी को मैं थोड़ा और ठीक से बता देता हूँ आपको। जरा फिर से इसको देखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी हमने ये लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये वैल्यू आपके पास प्रोबेबिलिटी ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बन गया। तो बता सकते हो कि ए डैश यूनियन बी का मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा? मिनिमम कब आएगा? जब ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम रख दो आप। ए डैश तो 3/8 है ही, ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू कितना रख दें? 3/8 रख देते हैं, राइट? मैं यहाँ पे 3/8 रख देता हूँ। और ए डैश यूनियन बी का क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ, ए डैश इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू 5/8 रख देते हैं, तो 3/8 प्लस 5/8 आ जाएगा, यानी कि आपके पास ये वैल्यू जो होगी वो 3/4 से लेकर के 1 तक जाएगी। 3/4 से 1 तक जाएगी तो 1/8 से लेकर के 3/8 आई जाएगी ना? नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया ना, 3/4 से बड़ा चाहिए तो ये तो गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया फिर तो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? बोलो भाई। सर फोर्थ वाला गलत हुआ।
फोर्थ वाला गलत क्यों हुआ? क्योंकि ए डैश आपको, ए डैश यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी आपको 3/4 से बड़ा बोल रहा है, पर हाँ, 3/4 से बड़ा ही तो आ रहा है, यहाँ 3/4 आ रहा है आपके पास, सॉरी यहाँ 3/4 आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 8/8 यानी कि 1। सही है, मेरी मिस्टेक है इसमें, आप ठीक कर ले। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ए डैश यूनियन बी जो आएगा वो 3/4 से बड़ा आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन स्टिल बी ऑप्शन तो रॉन्ग ही हो गया ना सर। ए कैसे होगा, ये कैसे होगा? अभी हमने ए डैश यूनियन बी को 3/4 से बड़ा बताया, और जो 3/4 से बड़ा है क्या वो हाफ से डेफिनेटली बड़ा नहीं हो जाएगा? यस सर। सोचो, पक्का बड़ा हो जाएगा ना? अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि कोई नंबर 3/4 से बड़ा है, पर मैं बाद में बोलने लग जाऊं कि नहीं वो हाफ से बड़ा है, तो जब मैं 3/4 से बड़ा सही बोल रहा हूँ तो हाफ से बड़ा तो श्योर सही है, करेक्ट है ना? इस वजह से हमने इसको कर दिया इस तरह से, आप समझ गए होंगे। सर ऑप्शन ए तो वो वैल्यूज भी तो इंक्लूड करेगा जो हाफ से 3/4 के बीच में। ऑप्शन ए करेक्ट है, आप ये बोल रहे गलत है ये ना? यस, मतलब वो वैल्यूज भी तो आएगी इसमें कि हाफ से 3/4 के बीच में भी हो सकता है, लेकिन वो तो है ही नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक्चुअली आप सोचो, मैं अगर किसी नंबर को, मान लो मैं कहीं नंबर आपको मैं 5 के लिए बोल रहा हूँ कि 5 ऐसा नंबर है जो 2 से बड़ा है या 4 से बड़ा है, अगर 5 ऐसा, कोई ऐसे नंबर की मैं बात कर रहा हूँ जो 4 से बड़ा है, जो कि एक्चुअली 5 है, 4 से बड़ा नंबर कोई है, मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ आपसे, तो मैं उसको अगर बोलूँ कि वो 1 से बड़ा है तो मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, तब भी तो सही है ना? ओके ना? क्योंकि अगर अपन किसी नंबर को बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी नंबर की 3/4 से बड़ी है, और ये सही चीज है क्योंकि हमने अभी प्रूव किया है, तो उसे हाफ से बड़ा बोलने में हमें कोई हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो 3/4 से बड़ा है, जो 0.75 से बड़ा है, वो डेफिनेटली 0.5 से तो बड़ा ही होगा। तो आई होप आपको अब क्लियर है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ इसमें, ठीक है? यस सर। स्पेस बना देता हूँ। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये एक पैराग्राफ मैंने लिखा है, आप लोग देखना ध्यान से, ये शायद जेई का है। हाँ, जेई का ही लग रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, फाइमस में यार लेक्चर बन जाएगा, वो थोड़ा 1 बजे तक देंगे बच्चे को, जो 2 लेक्चर मिले हुए ना पहले वही देख लें। अरे मैं थोड़ा इसमें लेट हो गया हूँ, सुबह से मैं क्लास ले रहा हूँ यहाँ, तो कल रात को भी नहीं बना पाया, कल शाम को बन नहीं पाया फिर से। हाँ ठीक, चलो स्टूडेंट्स देख लेते हैं। एक बॉक्स में B1 में एक वाइट बॉल है, देख लेते हैं। B1 बॉक्स में एक वाइट बॉल है, बॉक्स B1 मान लेते हैं, एक वाइट बॉल है, 3 रेड बॉल्स है, ठीक है, ये बॉक्स B1 हो गया। बॉक्स B2 में 2 वाइट बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं, और इस तरह से बॉक्स B2 कंटेन्स 2 वाइट, 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स भी है इसमें। ओके, एक वाइट, 3 ब्लैक, 2 ब्लैक, ओके सॉरी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ओके, देखें बॉक्स 1 के अंदर एक तो वाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। बॉक्स B2 के अंदर 2 वाइट बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। और बॉक्स B3 के अंदर क्या दे रखा है आपको, बॉक्स B3 के अंदर है 3 तो वाइट बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ऐसा करके दिया हुआ है। एक बॉल निकालनी है किसी हर एक बॉक्स से, चलो तीनों बॉक्स से एक एक बॉल ड्रॉ करनी है, और क्या प्रोबेबिलिटी कि तीनों सेम कलर की होंगी। एक चीज देखो, जब आप तीनों बॉक्स से एक एक बॉल निकालोगे तो फर्स्ट से भी व्हाइट निकलनी एंड सेकंड से भी व्हाइट निकलनी एंड थर्ड से भी व्हाइट निकलनी, या तो ऐसा होना चाहिए, या फिर फर्स्ट से रेड निकलनी चाहिए एंड सेकंड से रेड निकलनी चाहिए एंड थर्ड से भी रेड निकलनी चाहिए, या फिर फर्स्ट से ब्लैक निकलनी चाहिए एंड
सेकंड से ब्लैक निकलनी चाहिए एंड थर्ड से ब्लैक निकलनी चाहिए. एंड के लिए आप मल्टीप्लाई यूज करें और के लिए आप प्लस यूज करें. ये कब करना है, जब आप कुछ इवेंट के बीच में जिनके बीच में एंड लगा रहे हो वो इवेंट इंडिपेंडेंट है. सोचो फर्स्ट से वाइट निकले एंड सेकंड से वाइट निकले एंड थर्ड से वाइट निकले. ये तीनों जो मैंने अभी बोला वो तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है क्योंकि तीन अलग अलग बॉक्सेस से आप बॉल निकाल रहे हो. तो फर्स्ट बॉक्स से क्या निकले वो दूसरे बॉक्स पे डिपेंडेंट नहीं होगी या दूसरे में क्या निकले वो फर्स्ट से डिपेंडेंट नहीं होगी. ये इंडिपेंडेंट है. और जब आता है इंग्लिश वाला और, तो उसके लिए आप प्लस लगाएंगे. क्यों? क्योंकि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उनके और की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है. क्योंकि या तो आपको दोनों से वाइट तीनों से वाइट निकालनी या तीनों से रेड निकालनी. तो वाइट निकलेगी तो रेड नहीं निकल सकती है ना. इसका मतलब ये कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 101 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, उसमें आपको चाहिए या तो पहले से वाइट निकल जाए. देखो 1/6 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट से वाइट निकलने की, और सेकेंड से वाइट निकल जाए या फिर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/4, 3, 7, 8, 9. या फर्स्ट से वाइट निकले एंड सेकेंड से वाइट निकले एंड थर्ड से वाइट निकले. थर्ड से वाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी 3/4, 3/12 सॉरी. या तो ये हो गया या फिर क्या होना चाहिए, फर्स्ट से रेड निकले तो 3/6 हो जाएगा और सेकेंड से रेड निकले, फर्स्ट से रेड निकल गया, सेकेंड से रेड निकले यानी कि 3/9 एंड थर्ड से भी रेड निकले 4/12 प्लस. अब या फिर अब क्या हो कि फर्स्ट से ब्लैक निकले 2/6 एंड सेकेंड से ब्लैक निकले 4/9 एंड थर्ड से भी ब्लैक निकले 5/12. तो ये आपके पास फर्स्ट का आंसर आ गया. मुझे बताओ क्लियर है क्या आपको ये? आई होप आपको क्लियर हो गया है. कुछ दिक्कत हो तो हैंड रेस कर लें. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक कंप्लीट हो चुका है. अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. मुझे बताओ क्लियर है क्या, एक बार बोलो. यस सर. राइट, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. मैंने आपको बताया कि जब भी एंड आए आप मल्टीप्लाई करो, जब भी और आ जाए तो आप ऐड करो. पर ये ध्यान रखना कि जिनके बीच में एंड है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और जिनके बीच में और है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए. तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड से वाइड निकालनी है या फिर तीनों से रेड निकालनी है या फिर तीनों से ब्लैक निकालनी है. तो जो जो तीन इवेंट मैंने बोली है उनको आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं क्योंकि इनमें से कोई एक ही एट अ टाइम हो पाएगी. चलिए सेकेंड अगले 101 क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ रैंडमली सिलेक्टेड बॉक्स. अब आपको ये करना है कि या तो बॉक्स 1 सेलेक्ट करना है या फिर बॉक्स 2 सेलेक्ट करना है या फिर बॉक्स 3 सेलेक्ट करना है. तो तीनों में से एक बॉक्स आपने सेलेक्ट किया रैंडमली और उससे आपने दो बॉल निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट दो बॉल निकालने का मतलब होता है एक साथ दो बॉल निकालना. जब एक साथ दो निकालेंगे तो वो दो बॉल अलग अलग इंडिविजुअल्स होंगे. विदाउट रिप्लेसमेंट एक एक निकालेंगे ना तब भी वो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स ही आएंगी. तो बेटर है एक साथ दो निकालो. तो आप लोग देख सकते हैं कि एक साथ दो बॉल निकाल रहे हैं तो टू बॉल्स हमने एक साथ ड्रॉ की है और दोनों कैसी आ गई आपके पास. क्या लिखा हुआ है, रेंडमली सिलेक्टेड बॉक्स से आपने दो बॉल निकाली और एक आ गई व्हाइट और एक आ गई रेड. ठीक है, चलो देखते हैं. बॉक्स 1 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बॉक्स 2 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और बॉक्स 3 सेलेक्ट होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/3 है. अब अगर आपने बॉक्स 1 को सेलेक्ट किया तो उसे दो बॉल निकालनी है. तो बॉक्स 1 में 6 बॉल्स हैं, 6 में से दो बॉल निकालनी है. अगर बॉक्स 1 सेलेक्ट हुआ तो 6 में से दो बॉल निकालने के तरीके 62 हो गए. पर आपको एक व्हाइट और एक रेड चाहिए तो 1c1 और 3c1 चाहिए, हो गया. फिर इसके बाद अगर बॉक्स 2 आपने सेलेक्ट किया है तो उससे एक व्हाइट और एक ब्लैक, एक व्हाइट और एक रेड निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2c1 3c1 डिवाइडेड बाय, क्या लिखूं मैं इसमें, लिख देता हूं नीचे टोटल कितनी बॉल्स है, 4, 3, 7, 8, 9, 9c2 ये आ जाएगा. फिर इसके बाद अगर आपने बॉक्स ही सेलेक्ट किया है तो इसके उससे आपको एक व्हाइट और एक रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 3c1 4c1 और टोटल बॉल्स कितनी यहाँ पे, 4, 3, 7, 5, 12, 12 में से दो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ये आपके पास हो जाएगी. तो
तो मुझे बताओ ये सारे मैंने केस ले लिए हैं। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने कहा कि भाई रैंडमली आपने दो बॉल एक साथ निकाल ली है और वो एक वाइट और एक रेड निकली है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि आपने उसे बी टू से निकाला था, तो यानी कि बी टू सेलेक्ट हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो गिवन दैट क्या है, ये हो चुका है, तो इसका होना नीचे आएगा, तो इसका होना नीचे आएगा, इसका मतलब 1/3 इनटू 1c1 3c1 62 प्लस, ये तीनों प्रोबेबिलिटीज आपको नीचे लिखनी पड़ेगी, ये लाइन और ये लाइन की प्रोबेबिलिटी नीचे लिखनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूँ, आप लोग केयरफुली से देखना, ओके सॉरी इसको वापस से लिख देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास नीचे तो आएगा, क्योंकि इसने कहा कि गिवन दैट कि एक व्हाइट और एक रेड निकल चुकी है, तो एक व्हाइट और एक रेड कैसे निकल सकती है, या तो बॉक्स वन सेलेक्ट हो जाए, उससे एक व्हाइट एक रेड निकले, तो 3c2 अपॉन 62 लिख सकते हैं इसको, या फिर बॉक्स टू सेलेक्ट हो जाए और उससे एक व्हाइट और एक रेड निकले, तो 2 × 3 अपॉन 9c2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/3 × बॉक्स भी सेलेक्ट होने पर 3c1 4c1 अपॉन 12c2 आ जाएगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो बॉल निकाली वो b2 से निकाली, मतलब कि इन तीनों लाइन की प्रोबेबिलिटी का सम नीचे आ गया, पर ये जो बीच वाली लाइन है जो आपको चाहिए कि व्हाइट बॉल रेड बॉल भी निकले और b2 से भी निकले, तो ये वाली जो बीच की टर्म है ना, इसको आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/3 × 2 × 3 अपॉन 9c2, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या आपको, तो बेस थ्योरम भी है इसमें और टोटल प्रोबेबिलिटी भी है, राइट। टोटल प्रोबेबिलिटी हमने निकाली कि एक व्हाइट और एक रेड बॉल निकल रही है, वो नीचे आ गया, पर एक व्हाइट एक रेड निकलने के साथ साथ वो b2 बॉल से भी निकली है, b2 बॉल बॉक्स हमने सेलेक्ट किया है, उससे बॉल निकाली है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट कि एक व्हाइट और एक रेड निकली है। तो आई होप आपको ये क्लियर है, और बेस थ्योरम का क्वेश्चन तो हर साल ही पूछा जाता है, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन भी ले लिया है, और भी क्वेश्चन मैंने बेस थ्योरम के लिए लिए है क्या सबको, ये मुझे बताओ बच्चों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये जेई 2012 का क्वेश्चन है। अच्छा मैं आपको बताऊं, प्रोबेबिलिटी एक बहुत इजी टॉपिक क्या है, ये डिफिकल्ट एक्चुअली नहीं है, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं, बेस्ड बर्नौली एक्सपेरिमेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बस ये तीन चार चीजें ही हैं, और जॉइंट प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन है, और इसी चार पांच तरीके की ही क्वेश्चंस पूरे टॉपिक के अंदर दिए हुए हैं। तो अगर आप बेसिक फंडे अच्छे से क्लियर करो तो इसके क्वेश्चन आप डेफिनेटली सही करके आओगे, राइट, इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, और इस पे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं जेई के अंदर, जेई मेन में भी ज्यादा आते हैं, एडवांस में तो पूरा पूरा पैराग्राफ मोस्टली पूछा जाता है। चलो देखें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन जेई 2012 का है, और मैं कह रहा हूँ कि जेई के भी क्वेश्चन जरूर करना है इसमें, क्योंकि जेई मेन के भी करोगे तो जेई एडवांस के भी करना इतने मुश्किल नहीं होते हैं, वो आप इजीली कर सकते हो। अ शिप इज फिटेड विद 3 इंजन्स E1, E2 एंड E3। E1 के इंडिपेंडेंटली काम करने की प्रोबेबिलिटी है, इंजन्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर विद रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज 1/2, 1/4, 1/4 फॉर द शिप टू बी ऑपरेशनल, एटलीस्ट 2 ऑफ इट्स इंजन्स मस्ट फंक्शन। भाई आपका शिप तभी फंक्शन करेगा जब कम से कम एक दो इंजन काम करें, ओके। लेट एक्स डिनोट द इवेंट दैट द शिप इज ऑपरेशनल, x1 x2 x3 डिनोट्स इवेंट दैट इंजन्स e1 e2 e3 फंक्शनिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 दे रखी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 दे रखा है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 आपको ये भी गिवन है 1/4 के बराबर, राइट। आपने इसने कहा कि लेट एक्स कैपिटल डिनोट द इवेंट, हो गया ये भी। अब आगे क्या है, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1′(x). अच्छा मुझे आप बताएं, अपन को ये निकालना है, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी x1′(x) अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मतलब क्या है, x है
एक्स डिनोट द इवेंट दैट शिप इज ऑपरेशनल, यानी कि एक्स की प्रोबेबिलिटी नीचे दे रखी है, पर शिप ऑपरेशनल कब होगा, जब कम से कम दो एलिमेंट या दो इंजन इसके काम कर रहे हो, या तो तीनों काम कर रहे हो या फिर कोई दो, प्रोबेबिलिटी एक्स वन इंटरसेक्शन एक्स टू इंटरसेक्शन एक्स की बार, ऐसे दो और टर्म्स आएंगे। मैं आप समझ सकते हो इस चीज को कि दो और टर्म्स आपको मिलने वाली है, समझ गए ना आप ये? मैं लिख दूं क्या, पूरी लिख देता हूँ, चलो दो और टर्म लिखूंगा मैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स चाहिए, यानी कि इंजन सॉरी शिप जो है ऑपरेशनल है, इसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और शिप ऑपरेशनल होगा जब या तो कोई तीनों ही एलिमेंट काम कर रहे हो या कोई दो, राइट? तो दो के लिए मैं तीन टर्म्स लिख देता हूँ और दो टर्म्स लिख देता हूँ, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी एक्स वन इंटरसेक्शन एक्स टू बार इंटरसेक्शन एक्स थ्री, फिर इसके बाद आ जाएगा probability of x1 intersection x2 intersection x3, इस बार x1 बार, मतलब तीनों operational है first term के अंदर तो, और second term के अंदर दो operational है second और third term के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। अब हमें दोनों का intersection चाहिए, दोनों का intersection मतलब x1 dash, x1 dash का मतलब क्या हो गया कि first तो engine काम ही नहीं कर रहा है, और x का मतलब ship working है, ship functional है, इसका मतलब ये हुआ ना कि आपके पास x1 dash intersection x2 intersection x3 आएगा, बताओ मुझे, क्योंकि आपको ये पता है कि फर्स्ट इंजन काम नहीं कर रहा पर शिप को तो काम करना है, x1 dash intersection x का मतलब ये, तो आपको मालूम है कि फर्स्ट इंजन अगर काम नहीं करे पर शिप फंक्शनल है, तो ये तभी हो सकता है जब टू और थ्री इंजन काम कर रहे हो, ये लिख सकते हैं अपन। अब आपको पता है कि सारे जो इंजन है वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट आएगी, तो मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स थ्री आ गया, एक्स थ्री वन बाई फोर है सॉरी, फिर इसके बाद नीचे आएगा तीनों के प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट हाफ वन बाई फोर वन बाई फोर, फिर इसके बाद और भी टर्म्स आपके पास जाएंगी, क्या आएगा हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू आएगा वन बाई फोर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स थ्री बार बनेगा थ्री बाई फोर, ऐसी और भी टर्म्स निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू बार हो गया थ्री बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स थ्री प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन बार हो गया वन बाई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू आ गया वन बाई फोर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स थ्री आ गया वन बाई फोर, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इसको सॉल्व करके। मुझे बताओ क्लियर है क्या ये वाला पार्ट आपका हो गया है? ओके इसको सॉल्व करें क्या, पूरा कैलकुलेट करें क्या, तो नीचे तो आ रहा है हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ, चलो ये 16 हो गया, नीचे नीचे यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 16 ही एलसीएम आ रहे हैं, तो 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 तो 3 3 6 और 1 8 1 बाई 8, ये तो गलत हो गया ऑप्शन, राइट? अब आपके पास बी पार्ट पे आते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर है, मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन को भी आप करो, मैं कहूंगा कि इस टॉपिक के अंदर आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, थोड़ी ज्यादा बेटर फीलिंग आएगी, और ये आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं, जब तक आप नहीं करोगे तब तक तो मुश्किल लगेगा, करने लगोगे तो ये इजी लगेगा आपको। ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया इसका मतलब, राइट ना, समझ में आ रही है क्या बात मेरी? अब इसके बाद बी ऑप्शन पे आते हैं, बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दो इंजन काम कर रहे हैं गिवन दैट कि एक्स हो गया है, अब दो इंजन काम कर रहे हैं तो इसी से कर लेंगे इसको भी, दो इंजन काम कर रहे हैं तो कौन सी टर्म्स आएंगी बताओ मुझे भाई, आपके पास इस बार क्या है, दो इंजन काम कर रहे हैं गिवन दैट कि एक्स हो गया है, यानी कि आपका जो शिप है वो फंक्शनिंग है, तो यानी कि डिनोमेटर में तो यही आएगा जो यहाँ लिखा है मैंने इस वाले में ए में, यहाँ जो मैंने लिखा है इसका डिनोमेटर जो है वही मैं यहाँ पे भी लिखूंगा इसके डिनोमेटर में, आप लोग देखना ये पूरा मैं नीचे लिखूंगा, लेकिन इसने दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए कि दो ही इंजन काम कर रहे हैं और शिप फंक्शनिंग है, तो इसका मतलब ये जो तीन टर्म्स है ना ये वाली लास्ट वाली ये आपको ऊपर मिलेगी, तो मैं लिख दूं इसे एक दो और तीन टर्म्स आपके पास ऊपर आएंगी,
तो आप लोग देख सकते हैं कि नीचे आपके पास जो आ रहा है वो आएगा, नीचे तो क्या आ रहा है, एट आएगा, ओके, और ऊपर ये तीन टर्म्स आपको मिलेगी, तो तीन तीन छह और एक सात, सेवन बाई एट आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी सही है। आ गया समझ में आपको? देखो स्टूडेंट्स केयरफुली, आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक बार थोड़ा केयरफुली देखना कि अपन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें हमें जो हमने एक ऑप्शन अगर कर लिया है तो उसका हेल्प लेकर के आगे भी हो सकता है कि हमें अगला ऑप्शन भी उसी तरीके से मिल जाए, तो मिल रहा है उस तरीके से, तो आप लोग इजीली समझ पा रहे होंगे। ओके, अब अपन अगले ऑप्शन पे चलते हैं, सी पे। देखो हर चीज, हर ऑप्शन एक अच्छी चीज आपको सिखा रहा है कि आप कैसे कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी एक्स ऑब्लिक एक्स टू चाहिए। एक्स ऑब्लिक एक्स टू का मतलब क्या हो गया? ये आपके पास टर्म बन जाएगी प्रोबेबिलिटी एक्स इंटरसेक्शन एक्स टू डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी एक्स टू। अब ऊपर जो है वो क्या है, एक्स इंटरसेक्शन एक्स टू का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि इंजन काम कर रहा है, सॉरी, एक्स कैपिटल का मतलब शिप वर्किंग है, शिप फंक्शनल है, और एक्स टू का मतलब इंजन टू वर्क कर रहा है। अब जब शिप फंक्शनिंग है, इंजन टू काम कर रहा है, इसका मतलब इंजन टू के अलावा एक और कोई इंजन है कम से कम जो वर्किंग पे है, राइट? तो अपन एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स टू काम कर रहा है, एक्स वन क्या ले सकते हैं बताओ मुझे, स्पेस का काम क्रंच हो गया। चलो मैं यहां बता देता हूं आपको, आप जरा देखना। प्रोबेबिलिटी एक्स इंटरसेक्शन एक्स टू हो गया, क्या हो जाएगा ये देख सकते हैं आप लोग, ये आएगा प्रोबेबिलिटी एक्स टू इंटरसेक्शन एक्स वन इंटरसेक्शन एक्स थ्री, या तो ये हो जाए, या फिर एक्स टू तो वर्क करना ही करना है, एक्स वन वर्क कर रहा है, एक्स थ्री नहीं कर रहा, क्योंकि इंजन तो काम कराना ना आपको, तो दो तो कम से कम काम करेंगे करेंगे, या फिर हो सकता है कि एक्स टू वर्क कर रहा है, एक्स वन काम नहीं कर रहा है, एक्स थ्री काम कर रहा है। ये प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी, और प्रोबेबिलिटी एक्स टू तो हमें पता ही है कि वो क्या है, वो तो आपके पास वन बाई फोर है, तो आप यहाँ पे नीचे वन बाई फोर लिखे। क्या इसके आगे आप लोग कर लोगे? एक्चुअली यहाँ पे ये तीन टर्म्स आ गई ना, ये कौन कौन सी टर्म आ गई जिसमें एक्स टू वर्क कर रहा है, तो ये आ गई, ये वाली डिनोमेटर यहाँ पे, ये वाली आ गई और ये वाली भी आ गई, तो ये आपको मिलेगी वन बाई चार चौक सोलह बत्तीस, एक वन बाई बत्तीस हो गया, और ये वाला आ गया आपका, ये वाला भी रहेगा, ये वाला भी रहेगा और ये वाला भी रहेगा, तो ये बनेगा वन एक बटा बत्तीस, तीन बटा बत्तीस, चार पांच, फाइव बाई थर्टी टू ऊपर आ गया, फाइव बाई थर्टी टू ऊपर आ गया, और नीचे वन बाई फोर है, तो ये आपका गया फाइव बाई एट, फाइव बाई एट आ गया ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर समझ में आ रही क्या? सही है ना कैलकुलेशन मेरी, कोई गलती नहीं है इसमें ना? यस सर, एकदम सही है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब एक्स ऑब्लिक एक्स वन चाहिए। एक्स ऑब्लिक एक्स वन का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन नीचे लिखेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन एक्स वन ऊपर आएगा। एक्स इंटरसेक्शन एक्स वन का मतलब है कि फंक्शनिंग है शिप और एक्स वन भी काम कर रहा है, तो इसके लिए कौन कौन सी टर्म आएगी यहाँ पे? एक तो ये आ जाएगी और एक ये आ जाएगी और एक ये आ जाएगी। इसमें देख सकते हैं दो इंजन कम से कम वर्क कर रहे हैं और एक्स वन तो काम कर ही रहा है, तो आपके पास एक बटा बत्तीस, तीन बटा बत्तीस, तीन बटा बत्तीस, तो सात बटा बत्तीस ऊपर आ जाएगा, सेवन बाई थर्टी टू ऊपर आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी एक्स वन हमें पता है क्या? प्रोबेबिलिटी एक्स वन है आपकी वन बाई टू, यहाँ मैं वन बाई टू लिख देता हूँ, तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर सेवन बाई सिक्सटीन आ रहा है, और यही दिया हुआ भी है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट। इक्वेशन काफी अच्छा लगा मुझे, मतलब इसमें आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की को यूज तो करना ही है, और इसके अलावा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगा मुझे, तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं अभी भी। बताओ स्टूडेंट्स क्लियर है क्या? सही है ना? राइट राइट, आपके क्लियर हो रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? ठीक, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ जाए अपन, है ना?
तो नेक्स्ट मूव करते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं. इसमें अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये रहा क्वेश्चन. ये एक्चुअली मैंने पीएनसी का ले लिया क्या? हाँ चलो कोई नहीं, परम्यूटेशन का लिया है तो ले लेते हैं इसको भी. ये ACCC 2008 का है, ये गलती से मैंने पीएनसी का ले लिया. ठीक है. इन अ शॉप देर आर 5 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम, और एक चाइल्ड को 6 आइसक्रीम खरीदनी. मान लो फर्स्ट टाइप की X1 आइसक्रीम खरीदी, सेकेंड टाइम की टाइप की X2 आइसक्रीम खरीदी, थर्ड टाइप की X3, फोर्थ टाइप की X4 और फिफ्थ टाइप की X5 आइसक्रीम खरीदी. लेकिन टोटल तो 6 खरीदनी है. तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन लाने के तरीके हो गए n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन. ये आपके पास नंबर ऑफ वेज हो गए, राइट? ये आपका कितना हो गया? Tc4. ये तो गलत हो गया, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे Tc5 दिया हुआ है. चलो हो गया, Tc4 आ रहा है. लेकिन अब स्टेटमेंट 2 पे आते हैं. ये समझ में आया कि आपको? ये अपन ने लास्ट क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन लिए थे, राइट? अब स्टेटमेंट 2 में क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज द चाइल्ड कैन बाय द 6 आइसक्रीम्स इज इक्वल टू, मतलब ये जो वेज लिखे ऊपर वो किसके इक्वल है? 6 ए और 4 बी को जमाने के तरीके. 6 और 4 10 चीजें हो गई, उनको जमाने के तरीके होंगे 6 फैक्टर अपॉन 4 फैक्टर, जिसे आप Tc4 भी लिख ही सकते हैं या Tc6 भी लिख सकते हैं. तो बराबर है. तो स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है. तो अल्टीमेटली आपके पास फॉल्स ट्रू का आंसर ये आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन. तो क्लियर हो गया आपको ये, राइट ना? ओके. अब देखिए इसके बाद जेई 2017 का क्वेश्चन है, जेई मेन. देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है. प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 ए और बी अकर्स, एग्जैक्टली 1 बी और सी अकर्स, एग्जैक्टली 1 सी और ए अकर्स. चलो इसमें आपको ये दिया हुआ है कि आप इसको वेन डायग्राम को इस क्वेश्चन में यूज करें. ओके, आपको वेन डायग्राम यूज करके पता लगेगा कि क्वेश्चन में कैसे करना है आगे. तो आप लोग देख लें, मैं वापस मिटा रहा हूँ, वेन डायग्राम बना लेता हूँ. तो आप केयरफुली आप लोग देखना, इसको इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ. ये एक सेट हो गया मान लीजिए, और ये दूसरा सेट हो गया, और ये तीसरा सेट हो गया. देखो तो एग्जाम के अंदर भी आप क्वेश्चन के आसपास ही सॉल्व कर रहे होते हो, लेकिन आजकल तो चलो आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है तो फिर आपको तो शीट पे सॉल्व करना है, उधर देखना है क्वेश्चन को. तो आप अभी भी सॉल्व कर सकते हो, मेरे साथ साथ में सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको समझना है तो पहले समझ लो. प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 ए और बी हैपेंस, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 बी और सी हैपेंस, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 सी और ए हैपेंस. तो एग्जैक्टली वन कर रहा है ए और बी, फिर इस तरह से. तो इसमें क्या किया जाए? और फिर इसके बाद आगे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑल अकर्स, ऑल थ्री अकर्स, तीनों हो जाए. तो आप लोग एक काम करें, यहाँ पे ले लें 1/16. दे रखा है इसने, तीनों हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 दे रखी है इसने. फिर इसके बाद दे रखा है कि एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी, हमें चाहिए क्या? एटलीस्ट 1 हो जाए तीनों में से. एग्जैक्टली 1 ए और बी में क्या आएगा? एक काम करते हैं, रुकना भी. तो मैं इसको ए मान लेता हूँ इस प्रोबेबिलिटी को, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ, इसको ई, इसको एफ, इसको जी मान लेता हूँ. तो आप लोग देख सकते हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी या ए की वैल्यू आपको 1/ कितनी दे रखी, 16, तीनों हो जाए. और एग्जैक्टली 1 हो किसमें से? ए और बी में से. ए और बी में से एग्जैक्टली 1 होगा तो क्या क्या आएगा? ए आएगा, बी आएगा, डी आएगा, ई आएगा और एफ आएगा. सही क्या? ये 1/4 दिया हुआ है. और बी और सी में से एग्जैक्टली 1 हो जाए, आप समझ गए होंगे, ए और बी में एग्जैक्टली 1 हो जाए तो ये रीजन एग्जैक्टली ए है नॉट बी. और बी और सी में से ए और बी में एग्जैक्टली बी हो रहा है, यहाँ पे ये आ जाएगा बी डी ई एफ का सम,
इसी तरह से आप बाकी भी देख लेना, बाकी आपके पास क्या आ रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ बी एंड सी, इसके लिए आएगा सी डी, सॉरी क्या आएगा, सी आएगा, सी आएगा, ई आएगा, बी आएगा और जी आएगा, ए प्लस डी नहीं आएगा, बस बाकी सब आ गए। फिर इसके बाद एग्जैक्टली एक आ जाए ए और सी में से, तो ए और सी में से एग्जैक्टली एक हो जाए, मतलब ए और सी का जो इंटरसेक्शन है वो नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, बाकी तो आएंगे। तो एफ सी डी एफ जी, ये आ जाएगा आपके पास, कितना दिया हुआ, ये 1/4 दिया। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको चाहिए कि कम से कम एक हो जाए, और कम से कम एक क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इन सबका सम, इन सबका सम निकालना है। अगर मैं इन तीन इक्वेशन को जोड़ता हूं तो बी कितनी बार आ रहा है, दो बार, सी कितनी बार आ रहा है, दो बार, डी कितनी बार आ रहा है, दो बार, ई कितनी बार आ रहा है, दो बार, एफ कितनी बार आ रहा है, दो बार, जी कितनी बार आ रहा है, दो बार। तो आप इस इक्वेशन को भी दो बार ले लो, मतलब इस फर्स्ट इक्वेशन का डबल जोड़ूंगा मैं और बाकी सबको जोड़ दूंगा, बाकी सब इक्वेशन को 3, 4, 5 को जोड़ देता हूँ, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का डबल ले रहा हूँ, बाकी सबका सिंगल सिंगल टाइम्स ही जोड़ूंगा मैं। तो इससे आपके पास जो आपको चाहिए वो आ जाना चाहिए। देखो आप कैसे आ जाएगा, आप लोग जरा केयरफुली देखना कि सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ, फर्स्ट के डबल में बाकी तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 2a plus 2b plus 2c plus 2d plus 2e plus 2f plus 2g बराबर आ रहा है, 1/16 का डबल कितना हो गया, 1/8, और बाकी 1/4 तीन बार हो गया, 3/4, तो 1/8 plus 3/4 आ रहा है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में, तो 1/8 plus 7/8 आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 7/8, दो से डिवाइड कर दो तो 7/16 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ सबको ये? ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इसमें अच्छा आपको वेन डायग्राम का एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, तो बताओ मुझे क्लियर है क्या? यस सर, ठीक बात है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक लाइन खत्म हो गई है, अब अगली लाइन पे चलते हैं। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स, दो इवेंट आपके पास ए और बी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हो जाएगा 5/6। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, राइट? तो इसमें हमें पी बी नहीं पता, तो पता लग जाएगा, इसमें हम पुट कर देते हैं तो पता लग जाएगा प्रोबेबिलिटी बी, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ए आपके पास दे रखा है 3/4, प्रोबेबिलिटी बी को प्रोबेबिलिटी बी लिख देते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ 1/4, 5/6, 3/4 माइनस 1/4 कितना हो गया, 2/4, 1/2, तो प्रोबेबिलिटी बी आ जाएगा 5/6 माइनस 1/2, 6 एलसीएम ले लेते हैं तो आपको मिला 5 - 2 = 6, 2/6, 1/3 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बी 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ए आपने ऑलरेडी पता ही है आपको 3/4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आपको मिला पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दोनों की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट है, इसका मतलब इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। पर इंडिपेंडेंट तो यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, तो कौन सा सही है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होगी नहीं, क्योंकि जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइ होता है और फाइ की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, 1/4 दे रखी है, इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, और इंडिपेंडेंट है लेकिन इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली कब होती है, जब दोनों पी ए पी बी बराबर हो जाए, यहाँ पी ए पी बी बराबर नहीं आ रही है, पी बी आपका आ रहा है 1/3, पी ए 3/4 है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ में इक्वली लाइकली नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको क्लियर हो गया बच्चों, बात समझ में आ रही है मेरी आपको, है राइट? तो देखिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ है, ये भी काफी हद तक वैसा ही है जो अभी मैंने ये वेन डायग्राम से आपको बताया था, यहाँ पे इस जगह पे काम है ये वाला भी।
आ गया सबसे नीचे है ये वाला, ये वाला क्वेश्चन जो था वैसे ही क्वेश्चन अभी। चलो आते हैं देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें कहा प्रोबेबिलिटी कि ए और बी में से एग्जैक्टली एक हो जाए, प्रोबेबिलिटी कि बी और सी में से एग्जैक्टली एक हो जाए, प्रोबेबिलिटी कि सी और ए में से एग्जैक्टली एक हो जाए, सब पी दे रखा है स्मॉल पी, तीनों हो जाए वो पी स्क्वायर दे रखा है, वो कम से कम एक हो जाए वो बताओ। तो वही सेम क्वेश्चन हो गया, एकदम सेम क्वेश्चन हो गया, जेई 96 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे किसमें, जेई मेन 2017 में, पर यहाँ नंबर दे दिया था 1/4 और यहाँ 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/16 दे दिया था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको देखो कितने होशियार लोग हैं, पी और पी स्क्वायर दे रखा है, वन अ सेम क्वेश्चन, इन्होंने पी को 1/4 डाल दिया, तो पी एग्जैक्टली टू इवेंट्स के लिए 1/4 दे दिया और तीनों के लिए 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/16 दे दिया। तो ये देखो जेई मेन में एज इट इज जेई एडवांस के क्वेश्चन लोग कॉपी कर लेते हैं, एज इट इज बनाने की दिक्कत ही नहीं हो, सीधा पी को 1/4 डालो, ऑप्शन बन गए अपने आप ही, क्वेश्चन रेडी, सही है ना। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप ऐसे ही करना है इसको, ठीक है, कर लोगे ना आप इसे, राइट। इस तरह का ही क्वेश्चन हो गया है, तो बिल्कुल ही सेम, बस पी की जगह 1/4 लोगे तो वो जो क्वेश्चन अभी हमने किया वो बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो जेई 99 का क्वेश्चन है, ये भी मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है, ओके। आप लोग देखना कि क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है probabilities that a student passes in mathematics, physics and chemistry is M, P and C. Student जो maths, physics और chemistry में pass हो जाए उसकी probability M, P, C दे रखी है और 75% जो है कम से कम एक subject में pass हो गए हैं, at least one subject में, और 50% जो है वो पास हो रहे हैं इन एटलीस्ट टू एंड 40% चांस ऑफ पासिंग इन एग्जैक्टली टू। चलो इसको भी अपन वेन डायग्राम से ही सोच लेते हैं, वेन डायग्राम में मैं तीन सर्कल बना लेता हूं, एम पी और सी, मैथ्स पासिंग स्टूडेंट, फिजिक्स पासिंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री पासिंग स्टूडेंट, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे ले लेते हैं इसको। अब मैथ्स पासिंग स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम हो गया आपका मैथ्स पासिंग स्टूडेंट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ। फिजिक्स पासिंग स्टूडेंट क्या है, फिजिक्स पासिंग है ए सी और जी का सम, और केमिस्ट्री पासिंग स्टूडेंट स्मॉल सी लिखा हुआ है, मुझे से स्मॉल सी को हटाना पड़ेगा कि मिक्स हो जाएगा, तो मैं क्या ले लू इसको, सी डैश ले लू क्या, जो सी के साथ मिक्स हो जाएगा, तो सी दिया हुआ आपके पास, केमिस्ट्री में पासिंग है ए बी डी और ई का सम, 50% चांस ऑफ दिस सब्जेक्ट्स द स्टूडेंट हैज 75% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट वन एंड 50% चांस इन एटलीस्ट टू, एटलीस्ट वन में तो 75% है, A plus B plus C plus D plus E plus F plus G, yes, you definitely know, 75% chance है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है 50% chance है at least two के लिए, at least two में कौन कौन आ जाएंगे, at least two का मतलब हो गया या तो एक या दो, at least two में एक तो ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एटलीस्ट टू चाहिए ना, सॉरी ये नहीं आएगा, एटलीस्ट टू में आपको क्या मिलेगा, ये आ जाएंगे, ये 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 और ये, तो ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये आपका 50% प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद दिया हुआ है 40% चांस है एग्जैक्टली टू के लिए, एग्जैक्टली टू के लिए 40% है, एग्जैक्टली टू का मतलब हो गया बी सी डी, बी सी और डी हो गया 40%, 0.4।
हमें क्या चाहिए, पीएमसी का सम चाहिए। इसने कहा कि बताओ पीएमसी का सम क्या आएगा, वो हमें फाइंड करने के लिए कहा है। हमें तीनों दोनों ऑप्शन में तो ये दिख रहा है पीएमसी का सम। पीएमसी के सम के लिए आपको क्या करना चाहिए कि तीन बार तो ए लाना है, अगर मैं पीएमसी को जोड़ता हूं यहां पे तीन बार ए आ जाएगा, दो बार बी आ जाएगा, एक बार सी आ रहा है, एक बार डी, दो बार डी आ रहा है, सी एक ही बार आ रहा है, ऐसा क्यों हो गया? सर वो p equals to a plus c dash होगा। c dash होगा। ओके सॉरी। तो a तीन बार आ गया, c dash दो बार आ गया, b दो बार आ गया, d दो बार आ गया, f दो बार आ गया, शायद e एक ही बार आया, है ना? e एक ही बार आ रहा है, f g e एक ही बार आ रहा है, right? बाकी दो तीन बार दो बार आ रहे हैं। तो मैं PMC का सम ही करके देख लेता हूँ पहले कि क्या आ रहा है। PMC का सम आ रहा है ये 2B 2C dash 2D और ये निकला ये G है ना, G G E F। ये कैसे निकलेगा, इन तीनों इक्वेशन से कुछ हो सकता है क्या? अपन को अगर इन तीनों को मैं जोड़ लेता हूँ निकलेगा 2A। सर हम लोग a प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी को ऊपर से लेके हमारा ई एफ जी का सम आ जाएगा और उसके बाद हम a को ऑलरेडी निकाल देंगे थोड़े लास्ट वाली ब्लैक वाली इक्वेशन से और आगे का कैलकुलेशन। एक मिनट। तो इसमें किस तरह से जोड़ा जाए इसको तीनों में? सर एक ऑप्शन जल्दी चाहिए। यस सर वापस बोलिए। सर ए की वैल्यू निकली गई तो उसके बाद बी प्लस सी डैश प्लस डी की निकल जाएगी और फिर सबसे ऊपर वाली इक्वेशन से पर प्लस ई प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू निकल जाएगी। ए की वैल्यू कैसे निकल रही है? सर ए प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी 0.5 है, बी प्लस सी डैश प्लस डी 0.4 है, तो ए की वैल्यू 0.1 हो गई। यस सर ऐसा करते हैं जैसे आई से आ जाएगा ना। सही कह रहे हो आप, मैं एक्चुअली ठीक बात है, आपकी बात सही है। इन दोनों को डाल लेते हैं ठीक है ना, सेकंड और थर्ड और ये फर्स्ट। सेकंड में से थर्ड घटा लेते हैं तो आपको a मिल गया 0.1, सही क्या? a 0.1 आ गया, राइट? तो आपके पास ये 3a यहाँ 2 कॉमन, b प्लस c डैश प्लस d और ये आ गया e f g का सम। तो कॉम्बिनेशन देखना पड़ रहा है इसमें, ये तो 0.3 हो गया, 2 टाइम्स bc डैश d का सम कितना आ जाएगा? bc डैश d का सम तो दे ही रखा है 0.4 थर्ड इक्वेशन से, और ई एफ जी का सम आपको कैसे मिलेगा? ई एफ जी का सम निकालने के लिए फर्स्ट में से थर्ड सेकंड में डालें, 0.25 आ जाएगा ना सर? फर्स्ट में से सेकंड घटा के ई एफ जी का सम आ जाएगा, राइट ना? बोलो गलती है क्या? आंसर सही है ना? तो आपके पास ये बन गया 0.3, 0.8, सॉरी
0.3, 0.8 और 0.25 कितना जाएगा ये 0.8 छोड़ो जरा 1.35 होता है 27/20 तो ये आ गया राइट ना यस सर अब अगला क्वेश्चन अगला सी और डी ऑप्शन में से देखना है सी और डी ऑप्शन में से कैसे जाएंगे आपको पता है मैथ्स में पास होना फिजिक्स में पास होना और केमिस्ट्री में पास होना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है बोलो सही कह रहा हूं क्या मैं तो अगर अपन M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C की प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये इनकी प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होगा इनकी स्मॉल m स्मॉल p और स्मॉल c का प्रोडक्ट आएगा ये पर ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो 0.1 आपको पता ही है ए ये ये आपको पता ही है तो एम पी सी का प्रोडक्ट 1/10 आ गया बताओ सही क्या हो गया भाई ये क्वेश्चन कंप्लीट है बोल दो जल्दी से यस सर है ना इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं तो आपको क्लियर हो गया है मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा ये जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है फोर पर्सन इंडिपेंडेंटली सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम बहुत डिस्टरबेंस चालू हो जाती है Four persons independently solve a certain problem correctly with probabilities. चार लोग जो है वो कोई problem solve कर रहे हैं independently. Then the probability that the problem is solved correctly by at least two. कम से कम दो से solve हो जाए तो अपन A, B, C, D मान लेते हैं चारों को. A solve करेगा उसकी event A हो गई. B solve करेगा उसकी event B हो गई. तो इनमें से कम दो जने solve कर रहे हैं. At least two of them solves. या तो दो सॉल्व करेंगे या तीन या चार सर एटलीस्ट वन है एटलीस्ट वन है क्या फिर तो यूनियन चाहिए आपको राइट ये चाहिए ना कम से कम एक जना सॉल्व करे इसका मतलब इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी चाहिए जब इवेंट्स आपके पास इंडिपेंडेंट होती है ना तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकाला करें 1 - probability ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी लिख सकते हैं क्या अपन कॉम्प्लीमेंट करके कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 - उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी अब मैं अगर कॉम्प्लीमेंट्री अप्लाई करूं तो डी मॉर्गन लॉ से सबके कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आएगा और अब आपके पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट आ जाएगा क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखी है तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो 1 - 1/2 1 - 1/2 डीबी बार 1/4 टीसी बार 3/4 और पीडी बार हो गया 3/8 तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा तो ठीक है क्लियर है स्टूडेंट हाँ राइट 7/8 कितना आएगा 9 तो ऊपर हो गया 1 - 9 16 32 × 8 तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 256 में से 21 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 235 ठीक है फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया तो आप लोग समझ गए ना ये यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया अब इसमें हम लोग पैराग्राफ लेंगे लेकिन इससे पहले ये वाला क्वेश्चन लेते हैं ये वाला क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन हमने अभी किया था क्या? ये थोड़ा सा अलग है. टू नंबर्स आर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द सेट विदाउट रिप्लेसमेंट वन बाय वन. दो नंबर आपने एक साथ पिक कर लो, वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट करो या एक साथ दो करो, एक ही बात है. जब तक कि ऑर्डर का मतलब नहीं है यहाँ पे, आपको ये नहीं चाहिए कि किस ऑर्डर में कौन सा नंबर आ रहा है, तो एक साथ दो उठा सकते हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ टू इज लेस देन फोर. ठीक है, तो अलग क्वेश्चन है, पर एक सिंपल क्वेश्चन है. एक से छ तक, एक दो तीन चार पांच छ, दो नंबर उठाने, तो सिक्स से टू तरीके हो जाएंगे, पर कितने तरीके ऐसे हैं कि उनका मिनिमम चार से कम आए. द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ द टू इज लेस देन फोर. अब मिनिमम चार से कम कम कब आएगा? जब आप एक नंबर इनमें से ले लो, एक दो तीन में से, मिनिमम इस आपको चार से कम चाहिए. और एक नंबर जो लोगे ना आप, एक मिनट, मिनिमम चार से कम कब आएगा? तब आएगा जब आप या तो एक दो तीन में से दोनों नंबर ले लो, या एक दो तीन में से एक लेकर के बाकी जो दूसरा नंबर है वो इससे बड़ा ले लो. ऐसे करते हैं, इसमें अपोजिट से चलते हैं. देखो, वन माइनस प्रोबेबिलिटी की दोनों ही नंबर चार से छ आ जाए, थ्री सी टू अपॉन सिक्स सी टू, इससे आ जाएगा आंसर आपका. समझे क्या? क्योंकि अगर आपने मिनिमम तीन लाना है, तो मिनिमम तीन से कम ला, चार से कम लाना, सॉरी, मिनिमम एक दो तीन में से कब आएगा? जब एक नंबर एक दो तीन हो और दूसरा नंबर इसके अलावा कुछ भी हो. यानी कि या तो दोनों ही एक दो तीन में से आ जाए, तब भी मिनिमम एक दो तीन में से आ जाएगा, या फिर एक एक दो तीन में से ले लो और दूसरा नंबर चार पांच छह में से कोई ले लो. इससे भी कर सकते हैं आप, दोनों एक दो तीन में से ले लो, या फिर एक नंबर एक दो तीन में से ले लो और एक नंबर चार पांच छह में से ले लो, इन तीनों में से एक ले लो, ये भी सही है, इससे भी आंसर आ जाएगा. या फिर अपोजिट काउंट से जाए तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी, देखो कब ऐसा होगा कि मिनिमम तीन से कम नहीं आ पाएगा, ये तब होगा. कब ऐसा होगा जब मिनिमम चार से कम नहीं आएगा? ये तब होगा जब दोनों ही नंबर चार पांच छह में से लिए जाएं. तो हमने क्या किया, वन माइनस थ्री सी टू अपॉन सिक्स सी टू कर दिया, इससे आपको मिलेगा वन माइनस थ्री अपॉन सिक्स सी टू कितना होता है, सिक्स इंटू फाइव अपॉन टू, पंद्रह, तो वन बाई फाइव, फोर बाई फाइव आ गए. ठीक है, इसे भी करके देख लेते हैं, थ्री नाइन और सिक्स सी टू होता है पंद्रह, तो बारह अपॉन पंद्रह कितना हो गया, तीन चौक बारह, तीन पंजे पंद्रह, चार बटा पांच, फोर बाई फाइव, इससे भी ये आंसर आ गया. समझ गया कि आपको, आपको क्लियर हो गया? तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. भाई आप लोग जरा देखना केयरफुली, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, एक बार आप लोग भी रीड कर लें, मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है. देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है. द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ, फोर बाई फाइव, वाइल दिस प्रोबेबिलिटी फॉर बी इज थ्री बाई फोर. ए सच बोलता है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है फोर बाई फाइव, बी सच बोलता है उसकी प्रोबेबिलिटी है थ्री बाई फोर. द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रडिक्ट कब करेंगे, जब या तो एक सच बोले एक झूठ बोले, कॉन्ट्रडिक्शन तो तब होगा. और कब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, जब दोनों या तो सच बोल रहे या दोनों झूठ बोल रहे. द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट, प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर व्हेन आस्क्ड टू स्पीक. कॉन्ट्रडिक्ट कब करेंगे, जब दोनों सच, एक सच बोला तो दूसरा झूठ बोल दे, या पहला झूठ बोले दूसरा सच बोल दे. हो गया, तो 4 by 20, 3 by 20, 7 by 20.
आपका आंसर आ गया। बताओ सही क्या, कॉन्ट्रडिक्ट कब करेंगे, जब एस जब दोनों में से कोई एक सच बोले और एक झूठ बोले, या तो पहला सच बोल रहा है एंड दूसरा झूठ, और पहला झूठ बोले एंड दूसरा सच बोले, एंड के लिए मल्टीप्लाई और के लिए प्लस, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, बताओ मुझे क्लियर है क्या, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया है ना, तो इजीली हमने सॉल्व कर लिया है इसे, तो आप लोग समझ गए ना। ठीक है राइट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं अपन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं, एन अर्न कंटेन्स 9 बॉल्स विच आर 3 रेड, रेड 3 तो रेड है, 4 आर ब्लू और 2 आर ग्रीन, ऐसे करके 3 बॉल्स आपने ड्रॉ करी एट रैंडम विदाउट प्लेसमेंट फ्रॉम द अर्न, द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 बॉल्स आर हैव डिफरेंट कलर। अब भाई 3 4 7 और 2 9, 9 में से आपने कितनी बॉल निकाली है, 3। आप एक चीज का ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी की केस में आप चीजों को डिफरेंट मान के चले तो ज्यादा इजी काम हो जाएगा आपका। 9 में से कोई 3 बॉल निकालनी, अब ऊपर क्या लेना है आपको कि तीनों डिफरेंट कलर की आ जाए, तो यानी कि एक रेड आ जाए, एक ब्लैक आ जाए, ब्लू आ जाए, एक ग्रीन आ जाए, 2C1, तो आपका आंसर हो गया 3 4 × 2 डिवाइडेड बाय 9 8 7 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टर 6 ऊपर चले जाएगा, 6 × 12 और 12 × 36 देखो कितना आ रहा है, 36 × 4 = 144 और नीचे 72 × 2 = 144, 2/7 हो जाएगा क्या, 2/7 आंसर आ गया। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लियर हो गया है, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है ओके गुड, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, उसके बाद हम लोग यहीं पे आज की क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं। मैंने इसमें थोड़े अलग अलग तरह के क्वेश्चंस ले लिए हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 15 ग्रीन है और 10 येलो है, 10 बॉल आपने ड्रॉ कर लिए, आर रेंडमली ड्रॉन 1/1 विथ रिप्लेसमेंट, देन द वेरियंस ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, 1/1 विथ रिप्लेसमेंट, अगर 1/1 विथ रिप्लेसमेंट आपने बॉल्स निकालनी है तो बताओ ग्रीन का वेरिएंस चाहिए, तो ग्रीन आना सक्सेस मान लेते हैं, तो 15 ग्रीन है, 10 से येलो है, तो 15/25 हो जाएगा, किसी भी ड्रॉ के अंदर ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये तो हो गया 3/5 और ये हो गया 2/5। तो हमें क्या चाहिए, ये बार्नौली एक्सपेरिमेंट दिख रहा है ना आपको, क्योंकि या तो ग्रीन निकल जाएगी या येलो निकल जाएगी, जब भी आपका सैंपल स्पेस दो पार्टीशन में बनता है तो ऐसे केस में आपको ये कंफर्म हो जाता है कि ये बार्नौली एक्सपेरिमेंट ही है, ये एक बार्नौली एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो अपन यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, कितने ट्रायल करने हैं अपन को, 10 ट्रायल करने, 10 बार ड्रॉ करनी है, और आपको पता है कि बर्नौली एक्सपेरिमेंट का जो मीन होता है वो एनटी होता है, एन 10 है, ये आपका 3/5 है, 6 आ जाएगा, और अगर इसमें वेरिएंस भी पूछ लेता तो वेरिएंस क्या होता है, एनपी क्यू होता है, तो एनपी क्यू आपके पास हो गया, एनपी तो 6 है और क्यू आपका है 2/5, तो 12/5 आ जाएगा, ये वेरियंस आ गया। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो इसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, और हमें तो केवल मीन चाहिए था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि बर्नौली एक्सपेरिमेंट का जो मीन होता है वो एनपी होता है और बर्नौली एक्सपेरिमेंट का वेरिएंस होता है एनपी क्यू के बराबर। तो ये आप लोग समझ गए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में हम लोग यही कह रहे हैं, बाकी हम लोग अगली क्लास में बाइनोमियल थ्योरम करेंगे ताकि ये एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए।
तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने आज बर्नौली प्रोबेबिलिटी हमने आज कंप्लीट किया है और अगली क्लास में बाइनोमियल थ्योरम लेंगे और पीएनसी और प्रोबेबिलिटी की, देखो टाइम अलाउ नहीं करता है दो टॉपिक एक साथ डिस्कस करना, क्योंकि अगर हम दो करेंगे तो किसी भी टॉपिक के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा, तो इसलिए एक टॉपिक ही एक दिन रहना ठीक रहेगा। तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट शुरू में आ जाते हैं लेकिन बाद में थोड़े से गायब भी हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हमें तो जो स्टूडेंट है उनके लिए डिस्कस करना ही है और अच्छे से अपन डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चंस ले रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि एक क्लास में आपके हर वैरायटी का एक एक दो दो क्वेश्चन तो हो जाए, तो उससे आपको बेनिफिट जरूर होता है। तो किसी कुछ बोलना है तो बोले, कुछ कहना चाह रहे हो तो, सब लोग अनम्यूटेड ही है वैसे तो, मैंने अलाउ कर रखा है, किसी कुछ बोलना है कुछ चीज कहनी है तो बोल सकते हो आप। कि मैं अपनी तरफ से तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कब से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो, अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो। ठीक लग रहा है आपको, समझ में आ रही है चीजें, है ना सर? नेक्स्ट क्लास में सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम है ना? हाँ बाइनोमियल, ओके है ना, नेक्स्ट क्लास में बाइनोमियल ले लेते हैं, क्योंकि पीएनसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल लेंगे तो थोड़ा एक जैसे टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। राइट तो आप लोग को समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ, उससे बेनिफिट होगा इसमें, है ना, थोड़ा सा अपन को मोटिवेशन भी मिल रहा है कि हाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ना है, और कहीं कहीं चीजें क्लियर भी हो रही है, थोड़ा और बेटर क्लियरिटी के साथ आ रही है। मैंने क्वेश्चन आज लिए जेई के भी लिए, बहुत सारे, अधिकतर तो जेई एडवांस के ही लिए मैंने, मेंस में क्वेश्चन थोड़ा ईजी आता है, पर हमें थोड़ा एक लेवल ज्यादा से पढ़ेंगे ना तो मेंस में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है, अपनी एक्सरसाइजेस पूरी करो। ओके, अपने पास अभी अच्छा टाइम भी है और अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अभी जेई मेन का, वैसे आपका डेट कौन सा आया है अभी तक? 18 से 23 जुलाई। इसमें मुझे लगता है कि कुछ पॉसिबिलिटी है कि जुलाई के बाद अगस्त में चला जाए, क्योंकि ऐसा है कि इंडिया में तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया यूएस को बीट करेगा इस मामले में, अमेरिका को हम पीछे छोड़ने वाले हैं, तो अपनी सेफ्टी बनाए रखो, हम भी बहुत कोशिश करते हैं, बहुत अर्जेंट काम के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते, पर प्रिकॉशन लेकर के जाते हैं और बहुत मतलब एडवर्स कंडीशंस है, इस तरह की कंडीशंस कभी किसी के साथ आई नहीं लाइफ में, अपन लोग चाहे लकी कह लो या अनलकी कह लो कि इस तरह की चीजें फेस कर रहे हैं, तो ठीक है जो फेस करना ही है। अभी अपन स्टूडेंट है, आप लोग के लिए तो ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, आपको आपके लिए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको तो वैसे घर पे बैठ के पढ़ना ही है, हम लोगों के लिए मुश्किल है, आपके पेरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल टाइम है आपके लिए नहीं, एक्चुअली आपको स्टूडेंट लाइफ में इस तरह का निकल रहा है तो आप घर पे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अच्छी चीज है, पढ़ो घर पे, टाइम निकालो। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट मिलते हैं और बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम में पूरा टाइम बाइनोमियल ही पढ़ेंगे। ओके, तो बाइनोमियल में वैसे ज्यादा चीजें होती नहीं है लेकिन पूरा टाइम पढ़ेंगे तो सारी चीजें अच्छे से कवर भी हो जाएगी। ओके, थैंक यू ऑल, बाय एवरीबॉडी, बाय। Thank you, sir.